नमस्कार, ग्रीन अर्थ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नए पौधों के बारे में जो मैंने अपने गार्डन के लिए लाया है। ये पौधे ठंड के अनुकूल पौधे हैं। सबसे पहले आप देखिए इन रंगीन छोटे छोटे पौधों को जो काफ़ी आकर्षक हैं। इनको कहते हैं डायंथस। डायंथस के कुछ पौधे मैं लाया हूँ, ये इसी सीज़न में आते हैं मार्केट में। हालांकि इनका देखभाल अच्छे से हो तो ये हमें साल भर फूल देते रहते हैं, काफ़ी आकर्षक लगते हैं। इसका मैंने 5 कलर लाया हूँ मैं, और इसके आप यदि अपने आसपास की नर्सरी में जाते हो आप तो आपको कई सारे कलर दिखाई दे जाएंगे, कई सेड में ये प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा मैंने लगभग 4 लाया है सेवती के कुछ नए कलर्स। हालांकि मेरे पास लगभग 12 वैरायटी के सेवती हैं घर में, उसके बाद भी मैंने 4 नए मेंबर लाए हैं। इनके बारे में और आगे हम बात करेंगे। अभी आप केवल कलर देखिए, एक प्रकार से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, आप इनको देखते जाइए। अलग अलग कलर का, ये ग्रीन कलर का भी दिख रहा है, एक और सेवती वहाँ रखा है। आगे देखिए खिलने के बाद ये कौन सा सेड आता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि नर्सरी से आप खिले हुए फूल ही लाएं। जैसे इसमें देखिए डबल सेड दिख रहा है वाला सेवती, और ये ग्रीन सेड में है। आपको बिना फूल लगे हुए कोई भी फूल का पौधा नहीं लाना है। ये सारे पौधे ठंड के अनुकूल हैं। कुछ परमानेंट प्लांट भी मैं लाया हूँ। ये देखिए एस्टर, एस्टर के पौधे काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। ये एस्टर के 2 कलर मैंने लाए हैं, बैगनी और गुलाबी। इसके अलावा ये वाइन देखिए, वाइट वाइन है। बाकी डिटेल इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। ये एक झाड़ी होता है, बहुत सुंदर इसमें लाल कलर के फूल लगते हैं। डिटेल आगे वीडियो में आपको मैं दूंगा। ये वाइट वाइन एक बार मैं और लाया था, इसको देख रेख के अभाव में थोड़ा सा वो सूख गया था, तो ये नया पौधा है। हालांकि ये बरसात में लगाना चाहिए, परंतु ये स्वस्थ पौधा मुझे मिला तो मैं ले आया। इसके भी केयर के बारे में आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट आप देखिए बहुत ही अधिक आकर्षक पुष्प है ये, इसको कहते हैं प्रिंस फ्लावर। उर्दू में इसका नाम बेगम बहार है, और आपका जाना पहचाना, सभी का जाना पहचाना क्रोटान। क्रोटान का भी मैं इसका एक स्पेशल नाम है, आपको आगे बताऊंगा मैं। तो ये सारे पौधे मैं ठंड के सीजन को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करने गया था, और कुछ परमानेंट प्लांट भी मिले तो मैं ले आया। डायंथस जो है और एस्टर, उसको मैं ये समझ के लाया हूँ कि केवल एक सीजन के लिए हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि कुछ पौधे जो हैं सीजन परिवर्तन के साथ मर जाते हैं। डायंथस के मेरे पास 6-7 प्रजातियाँ थीं, इस साल बरसात में फंगस लगने पर वो मर गई। तो ये परमानेंट प्लांट के रूप में रहते ज़रूर हैं, पर बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। डायंथस की कई सारी वैरायटी आती हैं। अब हम आगे अलग अलग वैरायटी के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। 5 वैरायटी यहाँ पे है। देखिए डायंथस जो है, इसको डायंथस चिनेंसिस के नाम से, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कलर को, कहा जाता है। डायंथस का जो भी पौधा मैं लाया हूँ आप देखिए ज़्यादा बड़े नहीं हैं, नए पौधे हैं, नए ब्रांचेस हैं इसमें, तो ये पूरे सीजन अभी फ्लावरिंग होगा ही इसमें। वैसे डायंथस में रेगुलर फूल आते रहते हैं। इसको इंद्रधनुष गुलाबी, चीन गुलाबी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि आपको अलग अलग लोग इसके सेड के हिसाब से अलग अलग नाम बताएंगे, पर इसका जो कॉमन नाम है वो चीन गुलाबी है। इसका मेन कारण है ये चीन, मंगोलिया और उसके सीमा से लगे हुए रूस की सीमाओं का ये मूल निवासी है। शायद इसी कारण से इसका नाम जो है वह चीन के ऊपर पड़ा हुआ है। कहा जाता है डायंथस
डायंथस काफ़ी आकर्षक हैं, ये काफ़ी बूसी हो जाते हैं और खूब सारे फूल जो हैं वो लगते हैं। तो ये पांच वैरायटी मैं लाया हूँ, आगे इसको हम ज़मीन में लगाएंगे, वो भी इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगाना है। दूसरा आप देखिए एस्टर, एस्टर एस्टरेसी फैमिली से आता है और इसका बिल्कुल नया पौधा है, देखिए आप स्वस्थ पौधा है, ये पहला फ्लावर इसका पूरा खिला हुआ है पौधे में और बाकी कलियाँ लगी हुई हैं। आप ये देख कर लाएँ कि पौधा ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि माली के पास ऐसे पौधे रहते हैं जो बहुत दिनों से खिले हुए रहते हैं, उनके कलियों को तोड़ के आपको देते हैं तो उनका सर्वाइव करने का थोड़ा सा चांस कम होता है, क्योंकि उसके रूट बॉल अंदर बन गए रहते हैं। इसके रूट छोटे रहेंगे जो लगाने में आसान रहता है। ये सब डेजी फ्लावर कहलाते हैं, हालांकि आपको प्रॉपर डेजी के नाम से दूसरा फ्लावर देखने को मिलेगा। एस्टर आप घर में लगाइए, काफ़ी आकर्षक होता है और इसके नए पौधे आप फूल को सुखाकर ही उगा सकते हैं, ये काफ़ी आसानी से उगता है। अगला देखिए आपको दिखाई दे रहा है जाना पहचाना ठंड के सीजन का फूल सेवती। सेवती जो है ये गमले में यदि आप इसके कई प्लांट एक साथ लगाओ तो काफ़ी आकर्षक दिखता है। ये कुछ नए कलर्स मैं लाया हूँ, इस पहला ऑरेंज था, ये डबल सेडेड है अंदर की ओर, दूसरा कलर है डार्क है बाहर, लाइट ऑरेंज है। इसको गुलदाउदी कहा जाता है, सेवती कहा जाता है, अंग्रेजी में क्राइसेंथम कहते हैं। तो क्राइसेंथस के ये कुछ नए वैरायटी हैं, ये देखिए बैगनी गुलाबी वैरायटी। सारे पौधे नए हैं, पहला फ्लावर आपको दिख रहा है खिला हुआ बड़ा और बाकी उसके छोटे फ्लावर हैं। ये जो है ग्रीन शेड में है, पूरा फूल खिलने के बाद सही कलर पता चलेगा। आप देख सकते हो पीछे जो ऑरेंज दिखाई दे रहा है खिलने से पहले कत्था है, खिलने के बाद ऑरेंज हो गया है। हमेशा फूल देखकर ही पौधा खरीदें, माली का बात पूरी तरह हमको नहीं मानना है फूल के कलर के मामले में। तो इस प्रकार चार वैरायटी ये है। इसके बाद आप देखिए मैंडाविला, मैंडाविला एक वाइन होता है, मैंडाविला का वाइन 8 से 10 फीट ऊँचा जाता है, इसको ब्राज़ीलियन जैस्मिन भी कहते हैं। ये काफ़ी आकर्षक है, इसमें खुशबू होता है हल्का सा भीनी भीनी और ये हार्डी प्लांट है, हालांकि बरसात में ये इसको लगाना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग था, पौधा स्वस्थ था तो मैं इसे ले आया। इसमें भी 4-5 कलियां हैं, थोड़ा सा मिट्टी में इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, हल्का सा दाग दिखाई दे रहा है और सैंडी सॉइल में लगा हुआ है। ये आ गया बेगम बहार या प्रिंस फ्लावर, ग्लोरी बूस, पर्पल ग्लोरी बूस, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये पौधा काफ़ी आकर्षक दिखता है, जब फुल ब्लूम में होता है तो पूरा पौधा बैगनी दिखाई देता है। अब इसमें भी देखिए छोटा पौधा है, खूब सारे इसमें फूल लगे हुए हैं। ये पौधा 2-2.5 फीट का जब हाइट प्राप्त करता है और इसमें जब ब्रांचेस अच्छे से निकलते हैं तो अत्यंत आकर्षक ये दिखाई देता है। नर्सरी पॉट में लगा हुआ है, ये आपको बहुत अधिक मेंटेनेंस की इसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत आकर्षक पौधा है, इसको देखकर लोग ज़रूर इसके बारे में आपसे पूछताछ करते हैं। अब ये देखिए टिकोमा की एक और वैरायटी है, ये टिकोमा अलाटा, ये एक झाड़ीदार पौधा होता है, 8 से 10 फीट ऊँचा इसका झाड़ी बन सकता है और इसमें खूब सुंदर लाल ऑरेंज फ्लावर लगते हैं। इसके हिसाब से इसके अलग अलग नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। टिकोमा का मैंने येलो के बड़े प्लांट के ऊपर आपको एक वीडियो दिखाया था, आसानी से ब्रांच से उगने वाला है, इसका बरसात में हम कलम लगाने का प्रयास करेंगे, पर यह बहुत अधिक आकर्षक दिखाई दे रहा है और बहुत अधिक इसमें कली लगे हुए हैं। आगे इसको पॉटिंग करने के बाद, पॉट में लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको और इसे केयर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आखिरी जो पौधा शॉपिंग करके मैं लाया हूँ, ये मेरे पास हाल ही की क्रोटान की ढेर सारी वैरायटी है, उसमें से एक ये कहलाता है बनाना क्रोटान। क्यों कहते हैं आपको खुद समझ में आ रहा है, इसकी पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल केले के शेप में हैं और केले के जैसे पीले सेड हैं, इसलिए इसको बनाना क्रोटान कहा जाता है।
तो इस प्रकार ठंड के सीजन के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है। आगे नए पौधों की जानकारी के लिए, नए पौधों के केयर के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए ग्रीन अर्थ। नमस्कार।